अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप साना कुकिंग एंड ब्लॉग्स में। तो आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ एक वीडियो और जो मेरे को बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहे थे, अभी नहीं मतलब जो पहचानते जो नहीं भी पहचानते वो भी सब लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कैसे हो गए। जो मेरे हस्बैंड से भी, जो भी मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह है सब उनसे भी मतलब ये पूछते तुम्हारी वाइफ ने कैसे इतना सारे फॉलोअर्स मतलब हो गए, मतलब हस्बैंड से भी पूरा हस्बैंड मुझे घर पे आके बताते थे। तो फिर मैं मतलब उसी के बारे में मैंने सोच ली थी, इसे दिल में रखी थी ना कि मतलब जब तक मेरे बहुत मिलियन में एक भी वीडियो चले जाएगी ना तब मैं इसका मैं बताऊंगी और मैं मोटिवेट करूंगी। प्लेन जा रही है, जैसे कुछ बता रहे हैं लोगों को प्लेन जाने लगती, जाने दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने आप को पहली बात मोटिवेट रखना है। जो भी आपको अगर देखो, अगर स्टेप बाय सीढ़ी चढ़ना है, एक बैग तो कोई जा नहीं सकता है। तो बहुत से लोग रहते हैं जो मतलब एक दो वीडियो ही बनाते हैं जो उनके मिलियन में व्यू आ जाती, कोई कोई इतना इतना वीडियो बनाता नहीं आती। मैंने भी पहले जब भी मेरा पहले कोई ये नहीं था मतलब कि मेरे को बनाना है उस पर, मेरे को फेमस होना है, ये मैं ऐसे ही टेम्पररी बनाती थी ऐसा ना। तो मेरे उस पर ना कुछ भी मैं वीडियो बना के डाल देती थी। पहले मेरे हस्बैंड के नाम का मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा लूंगी, आप लोग देख लेना अगर ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना। पहले उस पर भी मैं अपना कुकिंग का ही डालती थी, ऐसा कुछ नहीं मतलब, तो कुकिंग का वीडियो वगैरह बना के मैं डालती थी। तो फिर एक बार तो मेरे पास ना मोबाइल नहीं था, मतलब अच्छा मोबाइल नहीं था, था अच्छा भी तो इतना भी अच्छा नहीं था, बट वो मोबाइल है तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मतलब मोबाइल लेकर दिए। तो उसपे मैं मेरे नाम का अफसाना नाम का आईडी बनाई सब कुछ, तो उसपे मैं अच्छे से मतलब वीडियो वगैरह बनाने, सबसे पहले मेरा इस पे जो है वो कुकिंग का ही, केक वगैरह का ही मैं डालती थी। फिर मैं खुद की भी वीडियो बनाने लगी, सॉन्ग वगैरह पे, नात वगैरह पे, कुछ भी ऐसा मतलब। तो इतना नहीं बोलूं कि 10,000 चले गए, 200 गए, 100 गए, 50 गए, ऐसा ऐसा व्यूज आते थे। जब ऐसे ऐसा व्यूज आने लगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो मुझे भी अच्छा लगा। कभी कभी ऐसे बनाते बनाते अब मैं 2022 में मतलब स्टार्ट कर दी थी इस पे मतलब वर्क करना, काम करना, इस पे स्टार्ट कर दी मैंने इंस्टाग्राम पे। तो करते करते धीरे 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 1,500 10,000 तक भी गया, तो बहुत हैप्पी हुई मतलब। तो ये जो 2023 है ना, ये ही मेरे लिए बहुत अच्छा, इसमें ही मेरी आईडी ग्रो की। और अभी कुछ दिन पहले मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे जाके मिलियन में व्यू गया, तब मैं बोली इसके लिए तो मुझे वीडियो बनाना। मेरे जो इंस्टाग्राम के फैमिली और जो मुझे पूछते रहते थे कि फिर से प्लान कितना एरोप्लेन जाती है इधर से, इसीलिए मेरे को वीडियो में ब्लॉगिंग करना छोड़ दी, इसके वजह से मैं लॉन्ग वीडियो बना दी। एक तो आज तो पूरा दिन मैंने काम करी, आप लोगों को मिनी ब्लॉग में तो देखने मिलेगा। अभी फ्री होके मैं बोली लाओ आज एक वीडियो बना ही देती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद में मतलब कंटिन्यू बस अपने को ये रखना, जब अपन न्यू करेक्टर है ना तो उसमें अपने को ना एक दिन में 3 वीडियो डालना कंपलसरी। जब आपके हो जाते कुछ फॉलोअर जैसे कि 1,00,000 2,00,000 जिसके हो जाते हैं, तो वो चलो दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो भी डालेंगे तो ठीक है। स्टोरी पे अपडेट रहना है, और फिर उसके बाद में स्टोरी पे ऐसा जो अपने फॉलोवर्स है ना, जब कम रहते तो उस पे अपने फॉलोवर्स पे मतलब कंटिन्यू बनाए रहना है, उनसे बात करनी है, उनको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपको फॉलो किया है तो कुछ जानने के लिए फॉलो किया, कुछ अच्छी चीजें भी बताना चाहिए, जैसे सॉन्ग वगैरह वगैरह कुछ भी बनाओ बट उससे कुछ रिलेटेड बनाओ। और बस यही मैं बोलना चाहूँ, और उस पर कंटिन्यू रही है, ये नहीं कि एक मिनट कोई आया आ चुका था, तो मैं यही मतलब बोलना मेरा एक मतलब है कि जब आप उन कुछ करते हैं ना तो देखो किसी को सक्सेस मिल जाती है जल्दी से, किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। तो बस अपने को ये करना है कि अपने को वेट करना, सबर करना, मोटिवेट रहना। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिव नहीं हुई, मैं बहुत बार डिमोटिव हुई। जब स्टार्टिंग में मैं बनाती थी तो मेरे हस्बैंड के पास कॉल भी आते थे कि क्या करवा रहा है ऐसा वैसा, तो बोल रहे थे कुछ अगर वो कुछ गलत करती तो मैं उसको खुद ही रोकता। तुम मतलब ऐसा मेरे हस्बैंड ने किसी को मतलब जवाब दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फोन करके बोले हैं ठीक है, उनको ये लगता था, बोलते क्या करवा, तो बोलते ये भी एक प्लेटफॉर्म है उस पर वो कुछ कर रही है, ये तो है नहीं कि मैं
सच में मेरा सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मेरे कुकिंग से मुझे सब पहचाने, मुझे इससे ना पहचाने कि मतलब मैं कौन, बट मुझे हाँ ये अफसाना है इसके कुकिंग से। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तो मैं ना रोटी बना, मेरी 4 साल की बात है, मेरी मम्मी मुझे बताती है, जब मैं रोटी बनाने के लिए इतना रोती थी, मेरी मम्मी मेरे को बोलती बेलन से मेरे को मारी थी, क्योंकि मेरे को रोटी बनाने का इतना कीड़ा था कि मतलब मेरे को बनाना तो बनाना, मतलब बचपन से मुझे कुकिंग करने का इतना शौक, मुझे कोई स्पेशली सिखाया नहीं है, बट जो भी जब रेसिपी देखी इसकी भी मैं कोई स्टोरी में दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ से कैसे सब सीखी हूँ, कहाँ से मेरे को मतलब कुकिंग करने, बिरयानी वगैरह जो भी दाल गोश वगैरह है कैसे मैं सीखी थी, वो भी मेरे लिए बहुत खास है। अगर मैं वहां नहीं गई होती तो मेरे को भी ये सब नहीं आता। तो बस मेरा ये मतलब था इस पे वीडियो में कि आप ज्यादा से ज्यादा, जब भी आप न्यू क्रिएटर है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पे एक्टिव रहिए और मेहनत करते रहिए, कभी भी ये ना हार मानिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा। अभी मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, पहले तो यूट्यूब पे नहीं मैं करती थी, एक्चुअली मैं ये भी नहीं करती थी यूट्यूब पे, इसलिए क्योंकि मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता, पहले मैं अभी ऐसी बना के ऐसी डाल देती थी, बट मैं अगर आज मेरे को एडिटिंग आता तो मैं भी बहुत दिनों से मैं मतलब यूट्यूब भी स्टार्ट कर लेती, बट मेरे को एडिटिंग करने नहीं आता था, वो कैसे ज्वाइंट होता है वो भी नहीं आता था मुझे, तो फिर मैं इसीलिए नहीं आता, बस इधर उधर से इतना सर्च करो ये वो, जब मुझे 2023 में वो भी जाके मैं जाके सीखी हूँ, कितना वीडियो देखी ये वो, तब मैं स्टार्ट करी हूँ करना। मेरे को एडिटिंग करने नहीं आता, थंबनेल, मेरे को थंबनेल क्या होता वो भी नहीं पता था, बट अभी सब धीरे धीरे पता, जब आप जिस लाइन में घुसते हो ना तो उस लाइन में आप पहुंच जाते हो तो आप कर लेते हो, तो आप सब कर लेंगे, कोई भी कोई वो नहीं, बस अगर आपको कंटिन्यू मेहनत करना। अब मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, इंशाल्लाह किसी दिन ऐसा आएगा सब मेरे को यूट्यूब पे भी पूछेंगे तो शायद मेरे लिए यूट्यूब के लिए भी एक ब्लॉग ऐसे ही बनेगा। तो आज मैं इंस्टाग्राम के लिए बोलती, आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो मिलियन में गया, वो भी 4 मिलियन गया प्लस जा रहा है, तो बस अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि आप सबका प्यार ऐसे ही बने रहे और आप सब को टिप मिल गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा डीमोटिव आता है, हाँ जब डीमोटिव आता है ना तो कोई मोटिवेट वीडियो देख लेने का, या किसी मतलब ऐसा है जो अपनी लाइफ स्टोरी बताया हो कि कैसे स्ट्रगल किया उसकी वीडियो देख लेने का, मैंने भी ऐसी की, मैं बहुत बार डीमोटिव होती थी तो किसी ना किसी का वीडियो देख लेती थी, फिर या तो फिर अपने हस्बैंड को बोलती थी, अगर हस्बैंड सपोर्टेड है ना तो कुछ भी, सच में बोलती कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कुछ भी बोले ना कुछ भी घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। मैं कितने बार अपने हस्बैंड को बोली मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे वीडियो वायरल नहीं होते, वो ऐसा आपको बोलते तो बोलते तू बना ना, तेरे को बोल रहे क्या, मेरे को बोलते ना तो बोलने दे। सच में तब ये सुनकर ना मुझे इतना अच्छा लगता, अगर हस्बैंड साथ देता ना तो पूरी दुनिया में ना कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हाँ अगर फैमिली के सपोर्ट है तो तुम मेहनत सिर्फ करते रहो, सक्सेस देने वाला अल्लाह है, और जो हमारे तो जब अच्छे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है चाहने वाले भी आ जाएंगे, तो इसीलिए मेहनत करते रहिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए और अच्छी नीयत से करिए बस। चलो अल्लाह हाफिज और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।